बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि तारा के बेटे के बर्थडे में आपने क्या दिया क्या दिया क्या दिया। तो यार आप लोगों ने तारा का ब्लॉग तो देखा ही होगा, उसमें तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैंने क्या दिया। वैसे विशेष कुछ दिया नहीं था यार, मैं जल्दबाजी में गई ना, तो मैं अच्छा सा कुछ ले ही नहीं गई ना उसके लिए। वैसे मुझे बहुत कुछ अच्छे से चीज़ ले जानी थी पर मैं ले नहीं गई, क्योंकि मेरे को एकदम सा प्लान था, क्योंकि मौसम की वजह से ऐसा होता ना कि प्लान चेंज हो जाता है, क्योंकि सुबह बारिश आती है फिर ऐसा होती रोड ख़राब रहती, तो ये कन्फर्म नहीं था कि भाई मैं जाऊँगी ही जाऊँगी। तो बस जब रोड सही थी तो मैंने का मैं चली जाती हूँ। तो फिर मैं, आपने ब्लॉग में देखा होगा, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, तो आप लोग ब्लॉग में देख लेना, उसके ब्लॉग में उसने डाला भी है और अच्छे से बताया भी है। तो बस यही बोलना था। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल में झिंकवाण ब्लॉग में। तो दोस्तों, नए दिन की नई ब्लॉग की नई स्टार्टिंग होगी है। भूमि उत्तराखंड के ब्यूटीफुल से शहर गोपेश्वर से भी लगभग सुबह का 10 बज रहा है और बस मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग होगी है। तो आज मुझे जाना है थोड़ा सा शंभू पे नाम लिखवाने के लिए। शंभू जो नाम है ना, आगे से जैसे लोग लिखवाते हैं अपनी बाइक पे, शंभू लिखवाते, कोई अपना चैनल का नाम लिखवाता है, ये सारी चीज़ें मुझे भी लिखवानी थी। पर अभी मैं देख रही हूँ कि यार लिखवाऊँ कि नहीं लिखवाऊँ। आगे से मैं सोच रही हूँ कि शंभू लिखवाऊँगी, फिर वहाँ पर जाके पता करूँगी कि भाई क्या लिखवाना है। तो बस अभी जाऊँगी थोड़ी देर में, शाम को खाना खुना खाने के बाद। अभी ये भी आगे है, आज अनन्या नहीं जा रही थी स्कूल और सुबह से इतनी बारिश आ रही थी, इतनी बारिश आ रही थी। और आज मैंने कहा वैसे जन्माष्टमी थी, मतलब जन्माष्टमी के स्कूल में प्रोग्राम वगैरह हो रहा ना इनके बच्चों के, तो वही हो रहा था। फिर मैंने कहा नहीं भेजती हूँ इसको, और इसको भी थोड़ा सा फीवर सा हो रहा था, तो मैंने कहा रहने देती हूँ। तो बस, और अभी पहले खाना खुना बनाती हूँ, और खास खाने में चौंसा बनाया है मैंने। यही हो रहा ना कि दिन में क्या बनाए क्या बनाए। आज बड़े दिनों बाद ऐसी धूप लगी हुई है, ये देखो भाई बहुत ही प्यारी धूप लगी है। ऐसी धूप में ना एक हफ्ते से नहीं लगी थी ऐसी धूप, तो आ जाके ऐसी धूप लगी है, तो थोड़ा सही है कपड़े कुपड़े सुखाने के लिए। बरसात में तो यही होता भाई, कपड़े सुखाने स्मेल आ जाती है ना, तो अभी इस बार कपड़े भी नहीं सुखाए, एक दिन कपड़े सुखाने पड़ेंगे पूरे कपड़े। तो बस अभी जाऊंगी, शाम को तो दिखाऊंगी कि कहाँ कैसा लिखाया मैंने, क्या लिखाया। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि तारा के बेटे के बर्थडे में आपने क्या दिया क्या दिया क्या दिया। तो यार आप लोगों ने तारा का ब्लॉग तो देखा ही होगा, उसमें तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैंने क्या दिया। वैसे विशेष कुछ दिया नहीं था यार, मैं जल्दबाजी में गई ना, तो मैं अच्छा सा कुछ ले ही नहीं गई ना उसके लिए। वैसे मुझे बहुत कुछ अच्छे से चीज़ ले जानी थी पर मैं ले नहीं गई, क्योंकि मेरे को एकदम सा प्लान था, क्योंकि मौसम की वजह से ऐसा होता ना कि प्लान चेंज हो जाता है, क्योंकि सुबह बारिश आती है फिर ऐसा होती रोड ख़राब रहती, तो ये कन्फर्म नहीं था कि भाई मैं जाऊँगी ही जाऊँगी। तो बस जब रोड सही थी तो मैंने का मैं चली जाती हूँ। तो फिर मैं, आपने ब्लॉग में देखा होगा, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, तो आप लोग ब्लॉग में देख लेना, उसके ब्लॉग में उसने डाला भी है और अच्छे से बताया भी है। तो बस यही बोलना था। सभी मैं नीचे आ गई हूँ और ये दोनों भाई अंदर बिस्तर में पड़े रहते हैं, ये देखना ये है ये। तो आप ये बोलो यार, मैं परेशान नहीं होंगी तो क्या होंगी? मैं तो कभी कभी इतनी ज्यादा परेशान हो जाती ना, मतलब जब स्कूल से आना कुछ मोमेंट नहीं, शाम तक ना 10 बजे, मतलब शाम को 6 बजे तक ऐसे बिस्तर में पड़े मिलेंगे तुम्हें भाई, अजीब सा मेरा दिमाग खराब होता कभी कभी ना, दिन भर पड़े रहना पड़े रहना पड़े रहना, थोड़ा बॉडी को मूवमेंट तो करनी ही चाहिए ना। तो बस आज यहाँ पे बन रहा है चौंसा। ये चौंसा किस किस को पसंद है यार? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है चौंसा ना, और इसका टेस्ट, इसमें हल्का सा देसी अचार मिल जाए, ये जो मैंने परसों का ला रखा है ये वाला अचार, तो आज अचार और ये बनेगा, चौंसा बनेगा, बन गया, वो खाते हैं जल्दी से, भूख भी लगी है बहुत तेज वाली। अनन्या छुप रखी, पर कहाँ छुप रखी है कल? मम्मा 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 कर रही, कहाँ छुप रखे बेटू? अच्छा इधर छुप रखे भाई साहब, आ जाओ बाहर। बिल्कुल लग रहा कोई बीमार हो रखा है ना, है? दो आ रखे ना, तीन आ रही वो सब लोग। अच्छा लगती भाई, तो यहाँ पे ना मैं शंभू पे अपना वो लिखवा रही हूँ, नाम लिखवा रही हूँ, शंभू नाम लिखवा रही हूँ। पहले मैं सोच रही थी झिंकवाण ब्लॉग लिखवाऊंगी, पर मुझे लगा यार नहीं, शंभू लिखवाती हूँ वो ज़्यादा बेटर है। भगवान जी का नाम ना, मतलब होता है ना कि भगवान जी के कितने नाम होते हैं, उनमें से एक नाम है जो इसका नाम मैंने रखा हुआ था शंभू। तो ये देखो अभी मैं लिखवा रही हूँ, अभी देखती हूँ यहाँ पे फोंट पे कि कौन सा फोंट मेरे को अच्छा लगता है। ये अभी चेक कर रहे हैं ना, तो फिर जो अच्छा लगेगा
वो वाला लगाऊंगी मैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लगा रही हूँ शंभू पे, ये शंभू ही लिख रही हूँ। ये देखो भाई, मैं सोच रही थी एक बार यहाँ पे लगाने की, फिर मैंने सोचा नहीं यार आगे से थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, और कभी क्या होता है कि मतलब चेंज भी करते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो अब देखती हूँ यहाँ पे लगाती हूँ, यहाँ पे लगाओ। अब देखना तो क्या है, पर वो मैं लिख रही हूँ नाम ना, यहाँ पे अच्छा लगेगा। हाँ वहीं पे लगा दो। बाद में निकाल भी, ये लिख लिया मैंने यहाँ पे शंभू, और बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। मेरे को लग रहा, मेरे को चाहिए था इसका नाम लिखना, बस इधर भोलेनाथ का नाम लिख दिया मैंने इस पे। पता नहीं जितने रुपए हुए होंगे, कितने ओनली 50, ठीक है निकाल था उसमें से 50 रुपीज। आपके क्या चैनल का नाम क्या बोला? मेरा है जोशी कार की। अच्छा, क्या कैसी वीडियो डालते हैं आप? हम तो कार से रिलेटेड डालते हैं। अच्छा, कार से रिलेटेड, ठीक ठीक है। तो भाई यहाँ पे ना सब 99 रुपीज का सामान है, तो अभी हम वहीं आ रखे देखने के लिए कि कैसा कैसा सामान है। तो भाई यहाँ से मैं एक टी शर्ट ले रही यहाँ से एक टी शर्ट ले रही थी, और भी मैंने कहा देखती हूँ यार अगर अच्छी लगेगी तो फिर पैसे दूंगी, नहीं मतलब पैसे दूंगी मतलब कि फिर ले लूँगी, नहीं तो रिटर्न कर दूंगी। ये वाला कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये कलर भी बहुत मस्त मस्त शर्ट आ रही भाई इधर। तो दोस्तों वहाँ से आने के बाद मैं हो गई हूँ थोड़ा सा रेडी, मतलब रेडी क्या होना है ऐसे घर के कपड़ों में, और हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे तक घूमने। घूमने में से मैंने कहा झिंकुआन जी को थोड़ा सा घुमा के लाती हूँ, नहीं तो अंदर ही अंदर ना इनकी आदत हो रही है कि लेटे रहना, तो साथ में ऐसा होता है ना कि थोड़ा घूम के आ जाते हैं। तो अभी टाइम भी मतलब 6 के आसपास हो गया, 6:30 के आसपास हो गया, और थोड़ा सा उधर से इनके लिए कुछ सूप वगैरह, इनके हाथ पर चोट लगी थी ना तो उस वजह से थोड़ी बॉडी वीक सी हो जाती है ना, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा चिकन या मटन लेके भी आ जाएंगे उधर से, और फिर थोड़ा घूम के भी आ जाएंगे तो थोड़ा सही रहता है। तो अभी शाम भी होने ही वाली है और कल संडे है, तो मैंने वो सोचा था यार अनन्या को राधा बनाऊंगी, तो सोच तो रखा है, पर अगर मार्केट में वो मिल जाता है ना कुमकुम वगैरह जो बच्चों की लगाते हैं इधर साइड से, तो वो मिल जाएगा तो फिर वो भी लेके आऊँगी, और 2-3 काम और है वो भी करके आऊँगी। तो अभी चलते हैं, ये तो तैयार होएगी नहीं हुए तब से, हो गया चलो। तो दोस्तों अभी झिंकवाड़ जी और मैं जा रहे हैं घूमने के लिए, और आते पता क्या बोल रहे हैं कि आगे पे ना चौमिन खाते हैं। मैंने कहा चौमिन खाने आ रखे हैं, घूमने आ रखे हैं भाई साहब, बहुत दिन हो गया ना चौमिन नहीं खाई है। अच्छा, तो झिंकवाड़ जी आज पता नहीं कौन से रास्ते से ले जा रहे हैं, और ये नीचे से आए हम, अभी ये नीचे से आए और अभी बोल रहे हैं इस वाले रास्ते से चलते, बोल तुझे अपने स्कूल के वहां ले जाता हूं। मैंने कहा चलो ठीक, हाय डॉगी। और ये शॉर्टकट रास्ता है ना, मतलब जब ये स्कूल जाते होंगे तो यहीं से जाते, आप यहीं से जाते हो क्या? अच्छा, ये क्या है यहाँ पे, कौन सा ऑफिस है? स्वास्थ्य विभाग। आ रही हूँ, थकान लग रही है, यहाँ कैसे हूँ जल्दी। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ थोड़ा अनन्या के लिए ना ड्रेस, वो क्या बोलते सामान ले रही हूँ राधा बनाने के लिए। तो अभी यहाँ पे देख रही हूँ मैं नथ वगैरह जो भी चीज़ होगी ना, ये देखना इतनी प्यारी प्यारी सी नथ आ रखी है, और एक ये वाली है, ये तो बड़ी हो जाएगी ना बच्चे के लिए, छोटा बच्चा ये चलेगा। हाँ ये वाली ना, हाँ छोटा बच्चा ये चलेगी, बाकी बड़ी लेने से तो बड़ी मिल जाएगी। नहीं बड़ी नहीं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं मार्केट से घर, और उधर तक जा रखे थे, और अनन्या को मैंने कुछ सामान भी लाया था, मैंने सोचा इसको राधा बनाऊंगी कल, तो देखती हूँ अगर बन पाएगा मुझसे थोड़ा मेकअप वगैरह, वो कुमकुम वगैरह होता है ना जो लगाने का बच्चों का, तो वो चीज़ें लगाऊंगी। और मार्केट में कुछ सामान नहीं था, गजरा भी नहीं था वहाँ पर जो वार्लर रहते हैं ना बालों के गजरे, वो भी नहीं थे, पर मैंने कहा चलो जितना भी सामान मिला वो सब लेके आ गई हूँ, और कल मैं साड़ी पहना के जो घाघरा जैसे बनाते हैं ना वैसे करके गजरा बनाऊँ, वो बनाऊँगी राधा। अगर उसकी मन की बात है ना, वो कभी कभी कहती नहीं मुझे नहीं बनना,
जाना है तो इस वजह से, और आ गए हैं थोड़ा उधर तक गए थे हम घूमने, और उधर से फिर हॉस्पिटल के रास्ते घूम के सीधा आ गए घर। घर आके फिर मैंने बना दी चाय, बिना चाय का तो काम ही नहीं चलता, ये बना दी मैंने चाय और अब चाय पीती हूँ। तो फिर उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो बस यार इस वीडियो को भी यही एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, बाय बाय दोस्तों।